How much money did you make last month? I made around 20 lakhs. How old are you? I'm 22 right now. And what do you do? I'm a UX designer. अपनी बैंक रिसीट दिखा सकता हूँ पूरी की देखो पिछले महीने 20 लाख रुपए महीना कमाया. Let's talk about your journey, यार. पहला प्रोजेक्ट ही वाज विथ EY honest and young. They were paying me forty k a day. बट मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यार देर आर सर्टन पैटर्न्स वेर यू कैन गेट टू 10 लैक्स अ मंथ फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर फ्रेमर टेम्पलेट्स राइट नाउ

ब्रो यू टोल्ड की आप एक यू एक्स डिज़ाइनर हो एंड यू मे ट्वेंटी लैक्स लास्ट मंथ पिछले हफ्ते मैंने एक पॉडकास्ट किया था विद अनदर यू एक्स डिज़ाइनर एंड दे टोल्ड मी की गेट टू टेन लैक्स अ मंथ इन फाइव सिक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज क्वाइट अचीवेबल बट उस वीडियो पे जो comments आए, so पर जो कॉमेंट्स आए पीपल वो आर नॉट एबल टू बिलीव कि दिस अमाउंट ऑफ मनी इज पॉसिबल विद यू एक्स डिज़ाइन सो वॉट डू हैव टू सेट तो पहली चीज़ है कि माइंड सेट लोगों का जो है ना वो एक लाख में स्टक है कि एक लाख पर मंथ कमाएंगे सो so दैट इज़ वाओ तो अराउंड आई वो स्टार्टिंग में जर्नी मैंने एक पॉडकास्ट देखा था अमन अतरवाल का आई uh, आइस पॉडकास्ट था या स्टेज uh, पे कुछ था आई डोंट नो बट उसमें उसने बोला था कि तीन तरह के लोग होंगे एक जो दस हज़ार रुपये महीना रहे होंगे एक एक लाख रुपये महीना कमा रहे होंगे एक दस लाख महीना कमा रहे होंगे तो मैं कहा था थी, ठीक है एक लाख वाले में तो आना यार मैं दस लाख वाले में तो कौन ही आता है तो ये माइंड का इशू है मेरा भी था सो आई डोंट ब्लेम दैम बट चीज़ है कि वो अनलॉक ही नहीं आता जब तक तुम उस स्टेज तक कमाते नहीं हो रही बट वो जानना ज़रूरी है कि यार लिमिटिंग माइंडसेट में रहोगे तो होगा नहीं मतलब लगेगा कि दस लाख ही है मतलब बहुत ज़्यादा है मतलब नहीं हो सकता इम्पॉसिबल है दस लाख तो साल का भी मिल जाए तो अच्छा है तो आई गेस वो मेनली माइंड सेट का ही चीज़ है बट आ, एक और चीज़ है कि जब लोग देखेंगे ना एक्चुअली कि सपोज़ मैं तो अपनी बैंक रिसप्ट दिखा सकता हूँ पूरी कि देखो पिछले साल पिछले महीने बीस लाख रुपये महीना कमाया है सो मे बी दैट कूड हेल्प देम बट अगेन जिसको नहीं सोचना वो नहीं सोचेगा राइट right? अब मैं एज अ सिंगल सोलो डिजाइनर इतना कर रहा हूँ सो so, ये लोग सोच सकते हैं कि यार मतलब मेनली कि ये चीज़ नहीं हो सकती है जो भी है तो आई गेस इट्स मोर ऑफ अ माइंड सेट थिंक मैं मैं नहीं सोच सकता उस लेवल तक तो हाँ देट वुड बी द आंसर आई गेस लिमिटिंग माइंड सेट है बट मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आर देर आर सर्टन पैटर्न वेर यू कैन गेट टू टेन लैक्स मन फर्स्ट ऑफ ऑल सो द फर्स्ट पैटर्न कुड बी समथिंग लाइक कि वेयर इज़ द करंट ट्रेंड गोइंग ऑन ठीक है इट्स नॉट जस्ट कि यार यू आई ट्रेंड क्या चल रहा है या यू एक्स ट्रेंड क्या चल रहा है तुम्हें देखना है कि पैसा कहाँ बन रहा है ए आई में बन रहा है थ्री डी में बन रहा है मोशन में बन रहा है किधर बन रहा है किस चीज़ की डिमांड है राइट right? सो so, अभी तक अगर तुमने पेमेंट नहीं किया टोटल यू एक्स डिज़ाइन में कहीं भी तो यू आर स्टिल गुड बट ये चीज़ भी नहीं है कि मैं यू एक्स डिज़ाइन में घुस गया मेरे को वहीं करना है But UX design is still the best performing thing, which I would tell you. So, SNA UX design is not, right? So, um, there is one pattern that I would like to give you. I have a course in my but uh, you can get into that if you're really serious. Right now, I'll give you a quick framework of that. Ki, there are framer templates right now. So, framer templates, mein, you can get to 1 lakh a month, first of all, passively. Hai. You would think, ki, achha, 1 ,00 ,00 a month hai. It's not that. नाइस बट आई विल टेल यू की जो एक लाख महीना है दैट इज जस्ट चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक द मेन केक जो तुम लोग खाओगे दैट वुड बी ऑफ द क्लाइंट्स कमिंग थ्रू दैट फ्रेमर टेम्पलेट्स सो रीसेंटली आई साइंड क्लाइंट ऑफ टेन थाउजेंड डॉलर फॉर जस्ट वर्किंग टू वीक्स ऑफ द टोटल वर्क जो भी उनका काम है दो हफ्ते का काम है टेन थाउजेंड डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है फिफ्टी परसेंट पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी है एंड जो मेन चीज़ है वो है कि उन्होंने मेरे को फ्रेमर टेम्पलेट देख के उठाया द क्वालिटी ऑफ फ्रेमर टेम्पलेट दैट आई प्रोवाइडेड उसके बेस पर उन्होंने कहा हमें आपका काम अच्छा लगा एंड वी वॉन्ट टू वर्क विथ यू इट्स दैट सिंपल उन्होंने आपके लिए फ्री मार्केटिंग करी फ्रेमर ने आपके लिए फ्री मार्केटिंग करी और सिर्फ फ्रेमर नहीं ऐसे बहुत टूल्स है शॉपिफाई है और बहुत चीजें हैं राइट आई हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड फ्रेमर मेरे लिए एक्सट्रीमली स्ट्रीमली वेल काम किया है वो सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड की यू यू गैस लर्न हाउ टू बिल्ड फ्रेमर टेम्पलेट्स सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग की मेरे को क्या अच्छा लग रहा है मैं वो बनाऊँ राइट right? लोगों को क्या डिमांड है इस टाइम पर क्या चीज़ चल रही है तो मैंने वो एक्जैक्टली अपने कोर्स में कवर किया है बट दैट्स अ सेपरेट थिंग इफ़ यू आर सीरियस यू इनकेटेड दैट बट मेन चीज़ है यू हैव टू अंडरस्टैंड के लोगों को पसंद क्या मोबाइल डिजाइन चल रहे हैं ज़्यादा अडेप्स बन रहे हैं ज़्यादा या वेब थ्री का काम ज़्यादा हो मतलब यू हव टू सी वट्स द ट्रेंड राइट उसके बेस पर तुम टेम्पलेट बनाओ उस बेसिस पर तुम्हारे पास बंदे आएंगे तुम्हें जानना भी जरूरी है कौन से डेमो ग्राफिक के बंदे उस पर वेबसाइट पर आ रहे हैं राइट शॉपिफाइय पर कौन से आ रहे हैं फ्रीमर पर कौन से आ रहे हैं सो दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट और वहाँ से क्या होगा कि दे डोंट नो एनी थिंग अबाउट कि uh, तुम पहले क्या चार्ज करे तुम्हारा तो पहले एक्सपीरियंस क्या था यूनिट फाइव ईयर एक्सपीरियंस वो सब कुछ नहीं है इफ़ यू गेट टू अ गुड प्रोडक्ट एंड इफ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ गुड फ्रेमर टेम्पलेट राइट वो लोग देखेंगे कि यार दिस इज रियली गुड क्वालिटी वर्क ठीक है एंड द मिनिमम वट आईम सेंग कि मतलब बहुत ही बेर मिनिमम जो भी उससे आ रहा है आपके पास क्लाइंट ना कि आपको उसका काम पसंद उसको आपका काम पसंद आया वो आपको हायर करना चाह रहा है टू क्रिएट इज लैंडिंग पेज तो एक लैंडिंग पेज बनाने का अब चार्ज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर ना ही वुड बी रियली हैपी टू गाइड बाई ट्वेंटी फाइव डॉलर इज सच अ चीप डील जो अपवर्क पे नहीं है इस टाइम पे कहीं नहीं मिल सकता ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर का प्रोजेक्ट इज स्टिल वेरी रेयर टू गेट यहां पर बहुत ईजी है और अभी भी कॉम्पिटिशन बहुत कम है दिस ओनली आर थाउजेंड टेम्पलेट्स अपलोडेड इन टोटल मतलब सब सब, सब कैटेगरीज अलग हैं तो डैट्स अपरेट थिंग बट मेन uh, चीज़ है कि यार यू हैव टू सी कि क्या लोगों को पसंद है क्या चीज़ उनको करनी चाहिए टू आंसर द बेगर क्वेश्चन कि दस लाख रुपए कमा सकते हैं दैट इज़ वन हंड्रेड परसेंट पॉसिबल एंड यू डोंट इवन नीड टू हैव फाइव ईयज ऑफ एक्सपीरियंस थ्रो दैट दैट्स माई एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे को खुद भाई तीन साल का एक्सपीरियंस है आई जस्ट वर्क फॉर थ्री एंड हाफ ईयर्स एम ऑलरेडी मेकिंग दिस मच एंड आई वॉज नॉट स्पेशल मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा था एंड आई वॉज नॉट एंड मतलब मेरे को कॉलेज भी डंका नहीं आई वॉज इन अ ट्री मतलब टीयर थ्री भी शायद बोस्ट ही कर रहा हूँ मैं टीयर फोर ही होगा बट इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज इंट एनी वेयर वैन आई वॉज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज ठीक है मैंने उस टाइम पर स्क्रैच से स्टार्ट किया था सब कुछ कुछ नहीं आता था मेरे को डिज़ाइन कुछ नहीं आता था यू एक्स डिज़ाइन आई लर्न फ्रॉम पीपल जिन्होंने ऑलरेडी अचीव कर रखा था वो हैव ऑलरेडी अचीव ठीक है तो मेरे को था कि यार इनकी गलतियाँ जो हैं वो मैं दोबारा रिपीट ही करूंगा तो मैं जल्दी उनसे पहुँच सकता हूँ सो ट्राई टू फाइंड दोज पीपल जो एक्चुअली मतलब जिन्होंने अचीव कर रखा है ट्राई टू लर्न दैम एंड ट्राई टू लर्न फ्राम देयर मिस्टेक्स कभी कभी क्या होता है यू जैसे मेरे को बहुत मैसेज आए थे लास्ट पॉडकास्ट में बात करके कि यार uh, विदान्त कैन यू हेल्प अस इन लाइक अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्टार्ट ठीक है मतलब हाउ टू स्टार्ट में क्या आंसर करूँ मैं मतलब कुछ भी करो भाई जाके फुटबॉल खेल लो मतलब क्या करना है हाउ टू स्टार्ट मेरे को आ रही है इसके थ्रू अगर मैं इसमें ये चीज कर रहा हूं, तो कैसे अचीव करूं मतलब मेरे को मेरे को मैं बताता हूँ लोगों ने इनविटेशन मतलब तो ही बढ़िया थी, है जो रिटर्न इन्विटेशन पर जो आई थी ठीक है ई और वो तो मैंने मिलाई भी नहीं उसमें से सिर्फ एक था जिसने ढंग का क्वेश्चन पूछा सिर्फ एक तो पहली बात तो ढंग के पूछोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा उसके रिप्लाई किया उसको ऐड किया और उसकी जॉब भी लगवाई मैंने आपको मैं लिटरली दिखा भी सकता हूँ उसका मेरे को कल ही मैसेज आया था डिस्कॉर्ड पे कि रोको आ, उसने मेरे को एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन याद नहीं बट ये देख उसने मेरे को लिखा था आई एम वर्किंग विथ हिम स्टिल जो मैंने उसको रिकमेंड किया था जो आम फुल टाइम इन जो भी इन नॉर्दर्न टाइम एंड थैंक्स फॉर द रेफरल तो इसको फुल टाइम लग गया बिकॉज ही आज द गुड क्वेश्चन राइट आई आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइज बट ये की यार स्पेसिफिक और ढंग की चीज़ पूछो आई एम रेडी टू हेल्प बट बहुत वेग चीज़ पूछोगे तो मेरे को भी गुस्सा आता है कि मतलब भाई हमने हम दोनों अपना टाइम लगा रहे हैं और आप लोग समझ नहीं रहे हो राइट क्योंकि नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ लोग अभी सिर्फ मज़े लेने के लिए देख रहे हैं कि ठीक है भाई बीस लाख रुपये मज़ा आ रहे है देखिए तो एक्चुअली तुम लोग करोगे ये चीज सीरियस हो गए तो तुम वहीं से ऊपर जाओगे इट्स इट्स नॉट अ बिग डील तो मतलब मैं ऐसे कह रहा हो बिग डील नहीं है बट होती है बट स्टिल मतलब ऐसा नहीं कि इट्स अनअचीवेबल राइट दस लाख महीना इज़ वेरी पॉसिबल प्रोडक्ट्स डट्स ब्रेकेट डाउन लास्ट मंथ थी मैं ट्वेंटी लैक्स अंथ तो ठीक है एक्सप्लेन मी की वर् दर रिटेनर क्लाइंट्स और क्लाइंट्स फ्राम यू एस मतलब क्या सीन था क्या डिस्ट्रीब्यूशन था विच हेल्प ट्वेंटी लैक्स राइट तो दिस ओनली केम फ्राम टू क्लाइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देखो मैं सोलो डिजाइनर काम कर रहा हूँ राइट मेरी टीम नहीं है आई एम नॉट वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ अर टीम कि बहुत सारे लोग हैं सो बट अगेन आई एम नॉट कम्प्लीटली वर्किंग ऑन दोंग्स एज वेल मै बी ऑफ शोर क्लाइं सॉरी ऑफ शोर टैलेंट हायर करता हूँ राइट ऑफ शोर टैलेंट हायर करके मेरे को हेल्प होती है कि ठीक है मैं आठ डायरेक्शन सेट कर रहा हूँ बट जो मेजर चीज़ है जो कोडिंग और ये समझ कोडिंग नहीं बेसिकली बट मतलब जो वन प्लस टू इज इगोल टू टू वन प्लस वन इजल टू टू वाली जो चीज़ है वो चीज़ कोई और करे राइट right? मेरे को क्रिएटिव काम करना है मेरे को अपना रियल एस्टेट फालतू तो चीज़ में नहीं लगाना मेंटल रियल एस्टेट राइट इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी तो और मैं बिग विन्स पर फोकस करता हूँ मेरे को ऐसा नहीं, कि नहीं को है कि आई हैव टू गेट टेन क्लाइंट्स फिर मैं जाके बीस लाख पहुँचूंगा नहीं मेरे को ढूंढना है कि मेरे को वो दो क्लाइंट कैसे मिले जो एक्चुअली मेरे को दस दस दे सकते हैं राइट या पंद्रह पाँच दे सकते हैं जो भी है तो उसके थ्री मेरे को पता लगेगा कि यार मतलब ठीक है ये बंदा मेरे को मिल सकता है मतलब इससे बेटर प्रोजेक्ट्स भी मेरे को मिल सकते हैं तो दैट इज अगेन अ माइंड सेट अनलॉक फॉर यू गा कि जिससे तुम सोचते हो कि यार दस लाख माइना इज नॉट मतलब नहीं हो सकता बट अगर तुम फोकस करोगे कि मेरे को एक्चुअली अब पच्चीस सौ डॉलर वाले क्लाइंट लेना फ्रेम ट्रेपलेम्पलेट से अपने तुम सोचोगे भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम सीरियसली करोगे ना उस चीज़ को वो चीज़ डिफिकल्ट नहीं है मतलब बहुत ईजी है वो सो अगेन लाइक माइंड सेट हम रुक जाते हैं मतलब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है और हम लोग थोड़ा मतलब इंडियन माइंडसेट के भी हैं तो अच्छी बात है मेरे को पसंद है इंडियन माइंडसेट सेट देसी होना राइट बट अगेन वो थोड़ा लिमिटिंग फैक्टर रहता है कि इंजीनियर डॉक्टर ही बनेगा बेटा या जो भी है बेटी राइट जैसे रिसेंटली आई गिफ्टेड माई डैड लाइक द फर्स्ट कार दैट इज ड्रीम कार तो आई ड्रेम ऑफ दैट राइट एंड डू कम ट्रू बट ऑल्सो लाइक ऐसा नहीं कि तुम बैठ के सोच ही रहे हो बस बट स्टिल इट्स अ गुड स्टार्ट आई वुड से कि तुम सोच रहे हो कि ठीक है तुम दस लाख रुपये कमा रही हो क्योंकि लोग सोचते नहीं है लोग सोचते नहीं मैं नहीं कमा सकता मैं नहीं कमा सकता मैं नहीं कमाऊंगा सो वो एक अच्छा स्टार्ट है नॉट बैड सोचो इट्स टॉक अबाउट योर जर्नी आर तो What was the first amount of money you made made from UX design online? Okay, so I made around वट वॉज ऑनलाइन ओके सो आई मेड अराउंड लाइक poster design. और मैंने अराउंड पंद्रह जो सोलह पोस्टर डिजाइन किए थे उसके लिए मेरे को पाँच डॉलर मिले थे राइट एंड मैंने कहा था चलो ठीक है इसका के एफ तो आ जाएगा अब तो के महंगा हो गया है बट आई हैव नाउ स्टॉप ईटिंग नॉन वेज तो वो अलग चीज़ है बट अब दैट वॉज द थिंग ठीक है मेरा खाना फ्री हो जाएगा सो इट्स नाइस बट वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था सो फाइव डॉलर्स फॉर देट स्टार्टिंग गेटिंग टू फाइव डॉलर्स फिफ्टीन डॉलर्स ट्वेंटी फिफ्टी ऐसे ऐसे ही सौ डेढ़ सौ में घूमता था मैं फिर फिर एक टाइम पर मेरा अनलॉक आया वेन आई मेट अ गाय हुड प्रीवियस स्टार्टअप टू सेल्स फोर्स फॉर फिफ्टी मिलियन डॉलर्स ठीक है तो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही वॉज ऑल्सो इन इंडियन बट लिविंग इन द यू के आई हैड टू अ कोल्ड आउट रिच हिम राइट आई वॉज यूजिंग मतलब मेरे लिंकडन पर ही मैंने फ्री में डाल रखा है एक um, क्या बोलते हैं कवर लेटर कि क्या भेजना होता है इन्विटेशन डालते हो लिखने को बोलते हैं ना एड नोट तो एड नोट में मैंने में क्या लिखा था वो मैंने फ्री में पोस्ट ही कर रखा है वैसे लिंकडन पर तो वही चीज़ मैंने सेम यूज़ करी थी उसमें एंड दैट कॉट इज़ अटेंशन उसने मेरे को रिप्लाई बैक किया And I started working with him. So I had to design a mobile app, branding, and uh, website design for him. He paid me $1,500 at that time, which was a really huge amount for me, around two months of work. Um, and this happened. So the first day of me getting $5, and eight months ke baad I got this thing, right? So um, I would say ki, sal sekami laga merko, stage. ऑफ वर्किंग में पहुंचने में कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये लोग क्या देखते हैं तब ऐसे उन्होंने कैसे कमाया था दो सौ करोड़ में उसने स्टार्टअप बेचा अपना तो उसको पता है कि क्या है तो उसने मेरे को बताई काफ़ी चीज़ें मैंने काफ़ी सीखा उससे और इट्स दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न कि इफ़ यू कैन ऑफर एंड गिव वैल्यू टू समन एंड देन लाइक दे कैन टीच यू समथिंग इन रिटर्न दैट्स द बेस्ट वे टू यू नो इंटरेक्ट विद रिच पीपल तो वही मैंने भी किया एंड दैट दैट्स हाउ आई लर्न इट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे किससे बात करनी है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है राइट तो Um, उसके थ्रू मैंने कम्युनिकेशन सीखा हाउ टू नेगोशिएट बेटर सीखा उससे मैंने पूछा तूने अपने दोस्तों करोड़ में कैसे स्टार्टअप बेचा सो इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ नॉलेज अपने आप को क्लोज माइंडेड मत रखो कि मेरे को सिर्फ डिज़ाइन ही करना है राइट एक्सप्लोर वन चो थिंक मैं कुछ भी एक्सप्लोर करो मतलब भाई जो आ रहा है दिमाग में राइट बट अगेन थिंक ऑफ समथिंग दैट्स वर्किंग फॉर यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को शेयर करनी थी समथिंग वॉल द अनफेयर एडवांटेज ठीक है एवरी वन हैज़ अनफेयर एडवांटेज एवरी वन ऑन दिस अर्थ राइट इज जस्ट की हु क्योंकि हम लोग क्या करते हैं राइट दिस इज एजुकेशन टू फॉल्ट अगेन कि हम लोग स्कूल जाते हैं स्कूल में जाके हमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं ठीक है मैथ्स हमारे दो नंबर आ रहे हैं सौ में से बट अभी हमें घर वाले बोलेंगे कि यार सौ लाओ या फिर जो भी हमारा पचास लाओ ठीक है अभी हम नहीं अच्छे उसमें भाई हमने कर लिया ट्राई बहुत मेहनत कर ली नहीं अच्छे फिर भी हम यही करते हैं जॉब में भी आके हम यही करते हैं कि हमसे कोडिंग नहीं हो रही है ये वाली चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है हम लोग इसी में बेटर हों इसी में बेटर हों हम खुद नहीं सोचते कि हम किस चीज़ में ऑलरेडी बेटर है जैसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ मैंने अराउंड जब मैं एटी एर्स का था तब मैंने एक नेशनल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज़ लिया था इन कलर कलरिंग कॉन्टेस्ट स्टिक का होता था वो तो आई टू डिज़ाइन अ बर्ड और समथिंग मतलब हाथों से तो मेरे को नहीं पता था फोटोशॉप वगैरह क्या होता था तो मैंने उससे किया था एंड आई वन द कॉम्पिटिशन पर मेरे को लगा था चलो ठीक है मतलब इसमें तो पैस, पैसे पैसे कौन ही बनाता है डिजाइन में कौन ही बनाता है ना हमें तो डॉक्टर इंजीनियर ही बनना पड़ेगा अगेन दैट्स अ समथिंग एजुकेशन सिस्टम फॉल्ट अगैन ठीक है मतलब ऐसा नहीं कर है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम फॉल्ट है फॉल्ट है राइट इट्स नॉट इंडियन आई टारगेटिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं है आई लव इंडियंस मैं देश नहीं छोड़ने वाला कभी मेरे वो बहुत प्यारा है मतलब भाई मेरे को टैक्स चाहे देना पड़े अपनी इनकम पे मेरे को दिक्कत नहीं है मैं देश नहीं छोड़ने वाला मेरे को बहुत प्यारा है और तो वो अलग टॉपिक है बट सो या मतलब इन क्रक्स की आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्राम दिस गाय सो हैव टू फाइंड सम वन हु कैन टीच यू अट्ट ऑफ थिंग्स चाहे तो फ्री में काम करने पड़े उसके लिए मेरे को लक्ली पंद्रह सौ डॉलर्स भी मिल गया दो महीने के लिए सो so उसके बाद ही वैन आई वर्क टू विथ हेम राइट उसी के कनेक्शन में राइट रेफरल्स एंड एवरी थिंग से ही मतलब यू गेट टू समथिंग वेर यू वॉन्ट टू बी राइट बट अगेन वो भी कुछ बड़ा एन लॉग नहीं था उसके थ्रू मेरे को एक, एक और कॉन्टैक्ट मिले विच वॉज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर्स राइट Uh, फिर उसके बाद आई स्टार्टड वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म पर यूनो जूनो राइट दिस वॉज अगेन अ प्लेटफॉर्म यू के बेस्ड प्लेटफॉर्म तो वहाँ पे जस्ट टू गेट इन वॉज़ रियली टफ क्योंकि उनके पैरामीटर्स थे आव टू गेट अप्रूव वगैरह वगैरह सो उसमें अप्रूव होने के बाद uh, मतलब मैं अप्रूव नहीं हुआ था मैंने थोड़ा ब्रूट फोर्स किया वहाँ पे भी <laughs> तो मैंने कहा यार देखो मेरा एक्सपीरियंस है तो अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ फॉर डिज़ाइनर्स uh, हमारे पास स्टार्टिंग में काम नहीं होता कि क्या दिखाएँ लाइट तो अगेन दिस इज़ समथिंग शॉर्टकट बट नॉट रिकमेंडेड आई डिड दिस तो मैं ट्रिपल पे गया मैं वेबसाइट्स पे गया गूगल फोटोज़ पे गया मैंने एक ट्रेंड पकड़ा मिनिमलिज़म का ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे तो मैंने मिनिमल डिज़ाइन्स ढूंढना स्टार्ट किया तो मेरे को जो जो पसंद आया मैंने सबका स्क्रीन शॉट रख लिया अपने पास ठीक है मैंने उन सबका स्क्रीन शॉट रखा और उनको कॉपी करके मैंने सेम चीज़ बनाई थोड़ा बहुत चेंज कर दिया और अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया ठीक है सो स्टीलिंग कह सकते हो उसको बट Uh, एक चीज़ यहाँ अनफेर एडवांटेज अगेन आता है कि मेरे को पता था क्या डिज़ाइन अच्छा लग रहा है राइट सो मैं ये नहीं कह रहा कि यू कैन नॉट लर्न डिज़ाइन मतलब यू कैन लिटल जस्ट लर्न डिजाइन इन्वेस्टिंग वन मंथ इंड डू इट राइट एंड लुकिंग एट वट पीपल डू जो मैंने भी किया जो मेरे को पसंद आया मैंने वो रीडिज़ाइन किया तो सिमिलरली कैन गो टू माई पोर्टफोलियो एज वेल जो तुम्हें पसंद आता है जस्ट री डिज़ाइन दैट बिकॉज दैट्स सक्सेसफुल डिज़ाइंस तो दैट्स अ वे टू लर्न आई गेस तुम मेरे हिसाब से पढ़ाई करके किताबों में डिजाइन नहीं है राइट right? या कुछ भी नहीं है राइट right? खुद करके ही है जो भी है एंड बट देर आर डेफिनेटली लाइक पीपल हु कैन हेल्प यू यूट इन अचीविंग दैट जैसे मैंने उस बंदे को पकड़ा उसने मेरे को बताया कि क्या चीज़ करनी है राइट सो वो अन लॉक मेरे लिए उसके बाद आई गॉट टू दिस प्लेटफॉर्म यू नो जो नो राइट उसके थ्रू मेरे को काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स आने स्टार्ट हुए जब मैंने घुसा उसके अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर तो हाँ मैंने ब्रूट फोर्स करने की बात करी थी राइट तो उन्होंने मेरे को कहा कि आ, नहीं हुए अप्रूव तो मैंने कहा एक्सपीरियंस आया तो मैंने एक नकली एक्सपीरियंस बना दिया कि आ, ये चीज़ ऐसे है तो हालांकि नकली नहीं था वो असली था कि पर वो छोटा एक्सपीरियंस था आ, दो महीने का एक्सपीरियंस था मैंने उसको कर दिया आठ महीने थोड़ी तो एक साल एक साल कर दिया तो मैंने उनको बोल दिया कि एक साल का एक्सपीरियंस है तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तो ऐसे हो सकता है उनको कभी रिप्लाई ना आया हो बट आई मेड माई वे इन टू दैट कि ठीक है मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक वो क्या ही कर लेगा वो बोल देगा कि ठीक है भाई ब्लॉग मारून गेट क्या क्या करेगा मतलब ई मेल पर वो मेरे साथ तो आई गॉट इंट द प्लेटफॉर्म सो समटाइम यू जस्ट नॉट हैव टू लाइक लूज होप राइट मतलब ये नहीं कि मना कर दिया तो मना है ऐसा नहीं होता राइट right? तो हाँ तो उसके आने के बाद प्रोजेक्ट गॉट रियली फास्ट आई स्टार्टिंग गेट इोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट ही वॉज विथ ई आई अनरस्टैंड यंग सो दे वर पेइंग मी फोर्टी के अम डे फॉर वर्किंग विद दैम फॉर टू वीक्स और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं था इतना सो दैट्स वेनी स्टार्ट गेटिंग टू द गुडे एट दिस टाइम कितना एक्सपीरियंस आपके पास uh, एक साल एक साल दो महीने तीन महीने ऐसे ही था सो आई अगेन लाइक एक साल में ही आई वेंट टू तो फोर्टी के अंथ राइट सो सॉरी फोर्टी के डे नॉट मंथ तो अगेन सो दैट वॉज समथिंग विच इज़ आई अनलॉक्ड राइट अब तो यूनो जूनो में बहुत भीड़ हो गया इट्स टफ बट स्टिल लाइक इट इज़ अ गुड चांस ऑफ क्योंकि आप क्या है बहुत लोग अप्लाई करते हैं अपलिकेशन तीस के बाद क्लोज हो जा रही है तो वो अलग वो उसके झोल हो रहा है बट राइट ना जो मैंने फ्रीम टेम्पलेट्स की बात करी है दैट्स द लाइक दैट्स अ थिंग दैट इज़ वर्किंग ऑन बट एक साल की बात आई गई वो भी तीन चार हज़ार टेम्पलेट्स प्लेटफॉर्म पर हो जाएंगे तो तुम्हारा टेम्पलेट घुम जाएगा फिर बट uh, ऐसा नहीं अच्छा बनाओगे तो नहीं घूमेगा मतलब मेरा बहुत पहले का टेम्पलेट एक अपलोडेड था वो भी अभी तक हाईस्ट सेलिंग टेम्पलेट है जो सबसे नीचे उनके लिस्ट में पर लोग पहुँचते हैं और खरीदते हैं उसको तो ऐसा नहीं कि गुम जाएगा बट अभी ईजियर है मतलब अगर तुम मीडिया ओर से ही बनाओगे तो यू कैन गेट अ सेल सेल के थ्रू यू कैन गेट अ क्लाइंट विच कैन पे यू अराउंड ट्वेंटी फाइव थ्री थाउजेंड अ मंथ विच कैन स्टार्ट टू हेल्प बिल्ड योर पोर्टफोलियो विद अ गुड इनकम एज वेल ऐसे नहीं तुम पाँच डॉलर के प्रोजेक्ट करे सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दो फाइव डॉलर प्रोजेक्ट्स क्योंकि वो क्लाइंट के एक्सपीरियंस भी तुम कुछ नहीं गेन करते हो दिमाग भी खराब होता है और इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस इन टोटल तो बहुत लोग ये रिकमेंड करते हैं कि यार फ्री में काम करो राइट फ्री में काम तब करो जब तुम्हें कुछ लर्न करने को मिले सामने वाले से फ्री में काम पोर्टफोलियो बनाने के लिए कर रहे हो ना अगर तो वो फ्री वाला काम तुम दिखा भी नहीं पाओ किसी को मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा कि फ्री काम अच्छा हो और तुम मतलब मेहनत खुद ही नहीं करना चाहोगे यार पहली बात तो राय इतनी मेहनत तुम डालोगे नहीं तुम्हें अगर थोड़ा सा भी दिखेगा आता हुआ तो तुम एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो आई गेस कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग फ्री वर्क बट मे बी आई एम लाइक गोइंग अगेंस्ट एवरी इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुंसर सेस क्यू वर्क फॉर फ्री वर्क फॉर फ्री फॉर पीपल लाइक आई वर्क विद लाइक जिसने दोस्तों के लोगों का स्टार्टअप बेचा या आई वुड लाइक टू वर्क विद इफ आई एम बिगिनर डिजाइनर वाइक टू वर्क विदाइनर जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहा है मतलब द लाइफ दट आई वॉन्ट टू लिव ऐसा कि अगर तक कोई एजेंसी बनानी है किसी को एजेंसी बनानी है सो यू हैव टू सी की कौन एजेंसी वाला है जैसे क्रिस्डो इज़ अ रियली गुड एग्जाम्पल की ही इज रनिंग द ब्लाइंड करके उसका स्टूडियो है राइट right? और वो एजुकेशन भी बढ़ा रहा है लोगों को बढ़ा भी रहता है फ्यूचर में सो इज़ अ रियली गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट तो और अगर सोलो पर नंबर तो मेरे से सीख लो <laughs> तो खुद की तारीफ भी होनी चाहिए बट हाँ बट uh, अब इट्स जैसे डैन को भी है वो भी सोलो हो रहा है सो ही इज़ डूइंग लाइक क्रीजीली गुड राइट तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पैटर्नस की वेयर डू यू वॉन्ट टू बी एंड देन फॉलो दैट पर्सन जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि सब कुछ अच्छा है सब कुछ करते रहो दैन तुम लोग बस कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे होगे और ऐसे कॉन्टेंट को भी ये मत सोचो कि भाई तुम मतलब uh, कुछ कर रहे हो मतलब जस्ट वॉच इट आज कि तुम नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो उसकी जगह ये देख रहे हो राइट right? रिप्लेस इन नेटफ्लिक्स टाइम विथ समथिंग वॉचिंग लाइक समथिंग लाइक दिस मतलब डाउन टाइम में देखो जब तुम काम कर रहे हो तो यू शुड वर्क जस्ट ठीक है ब्रो मैंने अभी तक क्या समझाया ना कि यू आर हसलर एंड यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क ठीक है यू वेंट टू यूनो जी नो प्लेटफॉर्म जब वो उतना फेमस नहीं था यू ट्राई फ्रेम जब वो उतना फेमस नहीं था तो वॉट हैपन्स इज यंग डिजाइनर्स आर अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट उनको वो आंसर चाहिए पका पक्का है रोड मैप चाहिए कि हाँ इन्होंने ये किया था मैं भी ये करता हूँ बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने अपने टाइम पे वो चीज़ करी थी आज का टाइम डिफरेंट है यू हैव टू मेक योर ओन पाथ यू हैव टू फाइंड योर ओन आंसर्स राइट तो अगर मैं ये सवाल पूछूँ कि आज की डेट में किसी को अगर सीखना है यू डिज़ाइन तो उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए um, सबसे पहले तो फिग्मा खोलना चाहिए राइट उस पर जाके डब्बे बनाओ जो करा बना, मतलब हाथ से करो जो करना है ठीक है So, best, best way to learn UX design is through actually like um, pick up designs that you like. Just say, you can just go to my portfolio, for example. If I go to my templates, which I've created on Framer, so that is also a very well performing everything, right? It's growing sales. I'm getting clients through that. So, just try to replicate what you see in Figma. Exactly pixel perfect, banao usko, right? Pixel perfect, so I realize that text match ho So, that is where you start learning design. यू एक्स डिज़ाइन सिर्फ सीखने के लिए कोर्स आई आई गेस मे बी ए गुड थिंग मैंने जैसे सीखा मैंने हासिल uh, करके सीखा है right? राइट मैंने खुद डिज़ाइन करके सीखा है जो मेरे को पसंद है जैसे मैंने वो कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंज करके किया राइट दैट वॉज अगेन अ लर्निंग स्टेप फॉर मी कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है क्या टाइपोग्राफी किसके साथ मैच हो रही है क्या कलर किसके साथ जा रहा है वो अनुक्रोम चल, चल रहा है डार्क मोड चल रहा है डार्क मोड में सिर्फ ब्लैक चूज़ हो रहा है या ग्रे ब्लैक व्हाइट सबको चूज़ हो रहा है तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न i guess by doing stuff, by taking action. Um, so yeah, bro, when we talk about making 10 lakhs, 15 lakhs a month to log that this person would be having a good social media following. just he is getting brand deals or he's getting clients. so i guess in your case, that's not true. eddie roder, a very big social media presence. i just deleted instagram. right. Recently. so what helps you get clients? okay, so i think social media definitely helps you get clients. i'm not denying that. marketing is definitely which helps you get clients right. but you just have to be smart about it. like, if that is marketing, then you like necessarily don't have to create your own distribution channel. i guess that's the best thing if you can do. but right now, just say, sanskar is also doing really well. so it's not everybody's lucky like sanskar ki bhai matlab and also like hardworking and hustling each other rose and then we'll get to that stage so uh, people like me are little laid back right they they like to uh, like think of ki acha theek framer right why do i talk about framer because they are doing marketing insane marketing so my template if a website then it's like ki, why, ho, it's already getting promoted you are already people know vedanjamal is because i am there i have five six templates there uh, ऐसे और uh, चैनल्स है जैसे शॉपिफाई है राइट शॉपिफाई पे तुमने एक टेम्पलेट बनाया तो वहाँ भी जो शॉपिफाई ओनर है स्टोर खरीद रहा है उसमें तेरा नाम दिख रहा है कि भाई ये लिखा है इसका नाम सो दैट इज़ अगेन अ गुड वे टू शो योर नेम इन द मार्केट ट्विटर इज़ ऑल्सो रियली गुड एक्स पे भी काफ़ी है बट मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है एक्स के साथ तो मतलब मेरे को एक ही क्लाइंट मिला एक्स से सो uh, मतलब so, ठीक है हो सकता है मैंने मेरे मैं को नहीं आता करना यूज़ बट मेरे लिए चल रहा है इस इन सब चीज़ों से काम

सेम पर्सन तो होता ना कभी कभी लगता है सेम पर्सन से मैं ज्यादा कैसे चार्ज कर सकता हूँ और अगेन द पर्सन हु गेव मी दैट बूस्ट इन एवरी थिंग राइट सो दे वोट अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर रिच पीपल राइट दे अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्कस राइट इफ यू गिव द वैल्यू दे आर विलिंग टू पे क्योंकि मतलब हाँ एक चीज बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट शेयर करनी है वाई डू पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल पे यू राइट कोई क्यों पैसे दे रहा है आपको वाई समबडी पेइंग मी टेन थाउजेंड डॉलर फॉर टू वीक्स राइट पहली बात तो यकीन नहीं होगा कि भाई आठ लाख रुपये दो हफ्ते की कौन देता है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई उनके दिक्कत चल रही है मतलब इफ़ यू कम एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम कि इफ़ यू रिड्यूस द स्ट्रेस इन देयर लाइफ दे आर रेवलिंग टू पे यू देर इज अ लॉट ऑफ पीपल की मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई ये डिज़ाइन ये डिज़ाइन है मेरे को फ्रेमर नहीं आता सपोज तो मैंने हायर कर लिया एंड इफ अ बेगर क्लाइंट गेट्स टू मी जैसे अभी मैं इसका काम कर रहा हूँ उसका तो मिलियंस मैंने बनी है राइट right? तो उसके लिए दस हज़ार डॉलर देना इज लाइक मतलब क्या ही है मतलब भाई ठीक है दस हज़ार और दे देंगे हम यू हैव टू बिल्ड कनेक्शन थ्रू दिस पीपल हु कैन पे यू मोर और उसके थ्रू तुम नेटवर्क बना सकते हो तो वो भी तुम्हें आगे रेफर करेगा कि यार ये बंदे के साथ मैंने काम किया था सो द पर्सन द फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर पर्सन दैट दर्स्ट मिनट राइट तो उस बंदे ने ही uh, मेरे को एक और बंदे को रेफर किया जो कि इंडियन था एंड वी वॉज ऑल्सो वर्किंग इन द यू के सो आई वर्क विथ हेम ऑन इज प्रोजेक्ट विच वॉज ऑल्सो लाइक अोजेक्ट यू वॉज अक्ट फॉर है मी पेड मी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर फॉर इट सो These rich people know all the rich people. That's why rich people get keep getting richer, right? And poor people just keep getting poorer and that's why if you overdeliver, so you have a good chance of getting Getting more, yeah. more clients, but also building relationships with them, right? Abhi Delhi tha. So he told me, Ki, yaar, uh, let's meet in Delhi. But I was in Bangalore at that time, too many guy, let's see, some other day. Uh, but एंड ऑल्सो लाइक एक और चीज़ है कि जस्ट डोंट वर्क क्रिएट कनेक्शन विद पीपल राइट मतलब वाइब करो तो मुझे लगना चाहिए भाई मतलब वैदान से उनके मेरे को मजा आया जैसे संस्कार से उनको मजा आया मतलब भाई चल सोकर खेलने चलते हैं इसके बाद मतलब यू हैव टू बिल्ड कनेक्शन इज नॉट लाइक मतलब बस काम कर रहे हो एंड देन यू गो ऑफ देन यू वुड बी फॉरगेटेबल तो यू डोंट हैव टू बी फॉरगेटेबल है यूनिक राइट तो अगेन दिस इज अ रिस्की अप्रोच राइट अगर फॉरगेटेबल होना है तो ठीक है बट अन फॉर्गेटेबल होना बिज ऑल्सो रिस्की है तो है तो <laughs> सही बात है Bro, की फ्रेमर पे आपने बहुत जल्दी टेम्पलेट चलना स्टार्ट कर दिया था सो हाउ डिड यू स्पॉट दैट थिंग बिकॉज आज कोई स्टार्ट करता है डिजाइनर वो कहता है कि मेरे को भी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जो कि जहाँ बहुत कम लोग हैं इस समय तो हाउ कैन दे फाइंड दैट फॉर दिस यू कैन फॉलो बाई ग्रुप वहाँ पे भी काफी लोग एक्टिव रहते हैं सो दे कीप ऑन पॉन सही अच्छा ये चीज़ नहीं आई है वो लोग खुद भी शेयर करते हैं मन आठ ये चीज बनाई है यू कैन रिटेड जो भी है बट फॉर द फ्रेमर थिंग आई वॉज ऑल्सो लाइक यू शुड देर इज़ दिस गाई कॉल्ड ऑल एवर्स मै आई फो गॉट इज नेम मतलब ही वॉज आई यूज टू वॉच हिम फॉर लाइक इस वीडियो क्वालिटी इज़ वॉर वेली गुड तो मैं बस वीडियो क्वालिटी देखने के लिए उसकी वीडियो देखता था बट उसके थ्रू उसने एक बार फेमर टेप्लेट उसने टेम्पलेट्स की बात करी जेफ नॉट फ्रेन फेमर टेम्पलेट्स टॉक टम्बलर थीम टेम्पलेट्स जो भी काफ़ी ओल्ड हो चुका है आप तो नो बडी आई गेस मे बी सम बडी यूज बट नो बडी इज यूजिंग ट्रम दर एनी मोर तो ही मेड अराउंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स फॉर एम ओनली इन टूर्स राइट एंड दैट वॉज अ बिग ब्रेक आउट फॉर एम एस लाइक वे टेम्पलेट्स क्या होते हैं वो आर टेम्पलेट्स राइट अचार टेम्पलेट्स की ये शॉपीफाई के टेम्पलेट्स हैं वेब फ्लो के टेम्पलेट्स हैं तो फ्रेमर उस टाइम पे नया नहीं आया था वो भी एक साल बुरा नहीं था मैंने भी बिल्कुल नया नहीं जंप कर पाया ट्रेंड पे हो सकता है उस टाइम पे और बना सकता मैं बट आई एम स्टिल डिसेंट राइट तो अभी भी आई एम सेइंग फ्रेमर इज नॉट लेट फॉर द नेक्स्ट वन ईयर वंस इट गेट्स टू फाइव के टेम्पलेट्स इट वुड बी डिफिकल्ट आई एम स्टिल नॉट से इट वुड बी बैड क्योंकि फ्रीमर इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क राइट नाउ कंपनी इज़ रियली गुड पीपल आर रियली गुड सो यू हैव टू बेट ऑन द जॉकी की समटाइम कि भाई कौन सी कंपनी चलने वाली आ गई राइट में बेस्ट चीज़ क्या है दिस इज़ अ गेम चेंजर थिंग राइट आई ऑलवेज डू विद माई क्लाइंट्स की आई सेल ब्रांडिंग विद डैट जिसका भी वेबसाइट डिजाइन बन रहा है ठीक है तो यू कैन से कि मतलब यू हैव अ ब्रांडिंग इन प्लेस मोस्टली दे डोंट हैव अ ब्रांडिंग इन प्लेस उनके और लोग होता है बस राइट right? um, तो यू कैन से ब्रांडिंग इज लाइक हाउ यू विल कन्वे द मैसेज राइट कि कलर्स और वो सब चीज़ें सब कुछ साथ में आएंगे तभी तुम्हारा ब्रांड दिखेगा तो मैं वेबसाइट ऐसी बना दूंगा तो कुछ बनेगा नहीं तो दैट इज़ अगेन टू इंक्रीज योर जो भी प्राइस टैक होगा लैंडिंग पेज बनाने का पच्चीस सौ है यू कैन सेल ब्रांडिंग फॉर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस यू कैन गेट फाइव के प्रोजेक्ट थ्रू दैट एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट अगर वो ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो पच्चीस उनका लॉस भी हो सकता है कि बाधा ब्रांडिंग चेंज करें तो वेबसाइट चेंज करनी पड़ रही है तो दे वुड भी हैप्पी कि भाई ये तो सोच रहा है मेरे से आगे सो that is again a check mark for them mkt okay, this is a long term guy i want to stick with because he's thinking about my business as well um, and you are also making money for you and for your client and everybody's happy so yeah why can any 20 year old ux designer make 20 lakhs a month i guess 20 year old to be i guess uh, if you understand ki casual as a 16 17 year old bhi tum you can we are seeing like millionaires फोर्टीन फिफ्टीन ईयर ओल्ड मिलेट मोस्टली क्रिप्टो वाले हैं बट ठीक है चल, बट ये भी इज़ अ वेरी गुड थिंग कि यू आज की ट्वेंटी ईयर ओल्ड बट आई गेस की सेवनटीन एटीन में भी यू नो हाउ टू यूज मोबाइल राइट अभी तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं दैट इज़ अ लॉट स्मार्टर राइट पूरा टाइम फोन वोन यही है सो अगेन दैट इज़ अ ब्रह्मास्तर विच यू कैन हिट ऑन यू और हिट ऑन द वर्ल्ड एंड मेक मनी थ्रू दैट या जो भी है मतलब नॉट हिट ऑन वर्ल्ड बट स्टिल मेक मनी थ्रू दैट की दैट इज़ इंटरनेट द मोस्ट

And you cannot make money when you don't have time, right? Why do people say that time is money? When you don't have time to spare, you cannot make money. But the person who is making 1 lakh rupees, right, he's doing a job 9 to 5, right, waking up at 9 a.m., he doesn't want to wake up, he's already depressed. Uh, coming to the office, uh, so coming to home at 5 p.m., itna thaggaya, giba hai upsona hai, ya, tv hai, ya, jo bhi hai, hai. Jo bhi hai, bhi nahi hai uh, single bhi, uske baad bhi दोस्तों के साथ चल बढ़ते हैं जो भी है राइट सो अगेन सोशल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट बट पहले थोड़ा करियर लाइफ फिक्स करो गेट टू टेन लैक्स अ मंथ इट इज़ नॉट अ स्काई रॉकेट नंबर इट्स वेरी अचीवेबल मतलब मैं लोगों को देखता हूँ भाई वो सत्तर अस्सी एक करोड़ महीना कमा रहे हैं प्रॉफिट में अकेला बंदा एज अ सो मैं नहीं मैं नहीं उस लेवल पे अभी सो आई एम लुकिंग एट दोज पीपल आई एम ऑलरेडी थिंकिंग कि आई एम मेकिंग वन करोड़ अ मंथ राइट आई एम जस्ट थिंकिंग एंड आई एम थिंकिंग वट मूव्स आई वुड बी मेकिंग सो यू जस्ट हैव टू थिंक एंड दैट माइंड और ऑल्सो

उनकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ और मैंने ये चीज़ उनकी पसंद आई सो पिक वन थिंग ठीक है मतलब अगर तुम्हें खुद पता नहीं हो कि इस पर काम करना है तो तुम काम भी नहीं कर पाओगे राइट तो एक चीज़ कुछ अच्छा उनके बारे में उठा सकते हो कि ये वाले टेक्नोलॉजी में ये चीज़ कर रहे हो सो आई वर्कड ऑन दिस ऐसे भी कर सकते हो बट दैट इज़ रॉन्ग कोल्ड आउटरीच क्योंकि वो इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है बट आई वुड से कि uh, अभी यू हैव नथिंग टू लूज राइट तो रिस्क भी ले लो थोड़ा कोई बात नहीं हो जाएगी गलती तो कोई मार्केट वाले तो ख़राब नहीं हो रही कोई वो हो नहीं तुम है ना मतलब मैं भी ऐसी हरकत करता हूँ मेरी भी इतना मार्केट वाली खराब नहीं होगी उससे तो मतलब आई एम तो अ कॉग इन द सिस्टम इज़ अ कॉग इन द सिस्टम सो आई गेस ठीक है मतलब यू कैन टेक रिस्क टू डू दैट कि तुमने थोड़ा पर तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ तुम्हें पसंद आई उसकी तो सिंपली uh, मैंने उसको डाल रखा है मेरे को भूल गया मैं एग्जैक्टली exactly क्या कवर लेटर था वो हाउ डू यू प्राइस Um, I price myself by time. Uh, so I don't sell time. I know keep time is the most important thing for me. So when I say sell myself by time keeping in mind ki mera time ka value ye Right? So I don't sell my time. I price myself with time. So uh, um, I always like to do project-based, right? अभी रिसेंटली वो चला है काफ़ी मेंबरशिप लेके रिटेनर लाइक फाइव हंड्रेड डॉलर्स अ मंथ में वी कैन डू अनलिमिटेड वर्क है जो भी है प्रॉब्ली इट्स अ गुड थिंग बट आई एम मेकिंग मोर बाय नॉट डूइंग दैट तो आई ट्राइड दैट थिंग फॉर अ मंथ बट उससे जो मेरे को क्लाइंट्स मिले वो अच्छे थे बट ये था कि दे वर्ट पुटिंग टू रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम उसमें लिखा होता है कि एक रिक्वेस्ट एक बारी नहीं होगी फिर जब तक वो नहीं होती तब दूसरी नहीं होगी तेन यू आर ऑलरेडी सेमलिमिटेड वर्क है तो देर इज़ अ ट्रस्ट ब्रेक एंड विच इज़ लाइव ऑन योर वेबसाइट कि अनलिमिटेड और अनलिमिटेड नहीं है तो इट्स अ स्कैम तो नॉट स्कैम बट स्टिल अब मैंने मैंने ये किया ना अब अभी सब मेम्बरशिप वाले उसमें चले गए मैंने टेम्पलेट बना दी मेम्बरशिप का तो बस सब आगे वो खरीद रहे हैं तो यू कैन बी द शबल सेलर इन द गोल्ड माइन राइट की ठीक है तो uh, सब मेंबरशिप बना रहे हैं uh, मैंने मेम्बरशिप बनाने के लिए टेम्पलेट बना दी अच्छा सा कि तो भाई तुम अपना प्लेस कर दो तो उसके थ्रू भी मेरे को दो तीन एजेंसीज आई थी अगेन गुड क्लाइंट्स विद गुड मनी फाइव टू सिक्स के जस्ट फॉर वन लैंडिंग पेज तो आई गेस इट्स अ गुड थिंग फाइनली ब्रो टू दिस कॉन्वर्सेशन कैन यू शेयर सम रिसोर्सिस जिससे कि कोई अगर यंग डिजाइनर है या फिर मान लेते हैं एक्सपीरियंस्ड भी है बट दे आर नॉट एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दम तो वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं If you are specifically talking about design, then I would say ki uh, you can start following uh, people like Chris Do is a really good person to follow and understand uh, how do you price yourself, yeah, how do you uh, get clients, right? You can basically get an overarching thing, but I guess the best way to learn is by making mistakes. Uh, by actually um doing those things. Uh, नहीं किया किसी ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया चेंज करके भेजूंगा अब क्यों नहीं किया चेंज करके भेजूंगा द बेस्ट थिंग वॉज विथ मी कि आई ऑलवेज कंसिडर्ड हंड्रेड इज टू वन रेशो कि सौ में से एक नहीं आया फिर फिलहाल चेंज माई स्ट्रेटेजी क्योंकि बहुत ओपनिंग्स बहुत चीज़ें हैं राइट uh, तुम कह सकते हो कि ठीक है रिमोट ओपनिंग स्पेसिफिकली उस चीज़ में नहीं है ठीक है भाई तुम यूएस एस के लोकेशन डाल के अप्लाई करना स्टार्ट करता रिप्लाई आना चाहिए पहली बात रिप्लाई आने का तुम्हें आउटरीच स्ट्रेटजी मिल गई जो मैंने लिंडन पर शेयर करी थी मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करी वो तो That is the way to find out. That is the way to learn. Or uh, I am telling you, this won't take more than one to two months. And if you, मतलब मैं, मैं नहीं बोलूँगा अभी तक मैंने भी cold outreach crack की है. Uh, but it's still okay, working for me in terms of cold outreach. Um, mainly, अभी मेरे को मैं बता रहा हूँ मतलब मेरी 80% of income is coming through uh, these look, people looking at my templates. Uh, कि वो दिख रहा है market हो रहा right? मैंने एक पैसा नहीं कर चुका ना social media ना कुछ है. बट पीपल आर कमिंग टू मी बिकॉज आई हैव सेटअप एन एनवायरमेंट टू अट्रैक्ट दी बटरफ्लाइज या वेल्स है जो भी पीपल हैव मनी राइट सो अगेन देन यू आर इन पावर टू चार्ज इवन मोर वेन देयर कमिंग टू यू दैट्स द वे टू गो आई आई थिंक कोल्ड आउटरीच इज़ रियली गुड बट प्राइसिंग थोड़ा सा हो जाता है उसमें टफ मेरे हिसाब से क्योंकि दे आर लाइक ही तुम्हें हमारी जरूरत है हमें नहीं है वो चाहे वो ना भी बोले उसको भी जरूरत हो बट दिमाग में उसके रहेगा कि भाई ये पहले आया था सो आई डोंट लाइक टू ऑपरेट इन दैट एनी मोर बट फॉर स्टार्टर्स डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग कोल्ड आउट रीच जितना तुम करो उतना गेट्स टू यू राइट मतलब ठीक है आई हैैक्ट दिस थिंग नाउ आई कैन गेट टू दैट बट आई गेस टू सेटअप एन इन इन्वायरमेंट टू अट्रैक्ट पीपल राइट नाउ स्पेशली इन डिजाइन इज फ्री मैंने पूछे डेफिनेटली मैं इतना फ्री मैन बोल चुका मेरे को भाई उनको पूछ देना चाहिए भाई मतलब कि भाई तुम कुछ तो हो भाई परसेंटेज देना चाहिए अच्छा <laughs> एक और अच्छी चीज़ है फ्रीमन में कि वेन यू सेल योर टेम्पलेट ना सो देर इज़ अ रेफरल बोनस दैट यू ऑल्सो गेट तो पीपल जनरली बाय ट्वेल्थ मंथ सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने भी अपना जो मेरा वेबसाइट है वो फ्रीमन टेम्पलेट ही था तो दैट इज़ अ ट्वेल्थ मंथ सब्सक्रिप्शन दैट आई बाई एंड सिक्स मंथ के जो पेमेंट है दैट यू गेट एज अ क्रिएटर तो जितना तुम बेसिकली बेच रहे हो ना टेम्पलेट उससे ज़्यादा तुम uh, रेफरल से कमा लेते हो सो so, बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने चला रखा है देर चार्जिंग जीरो परसेंट फीस फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट चार्ज एनी फीस वैन यू सेल योर टेम्पलेट ऑन देयर वेबसाइट विच इज़ प्रमोटिंग वीज सब कुछ फ्री है राइट तो या आई थिंक मेरे लिए काम कर रहा है अभी भी ये काम करेगा सो रादर देन जस्ट डाइवर्टिंग और माइंड ऑर लॉट ऑफ थिंग्स सिंपली फ्रेमर पर जाओ अकाउंट बनाओ सीखो कैसे फ्रेमर यूज़ करना है राइट देर आर वीडियोज ऑलरेडी आउट फॉर इट कि कैसे सीखना है बट द बेस्ट वे टू अल्लाह ने इसकी फिगमा पर तुमने कोई डिज़ाइन बनाया वो सेम डिज़ाइन धक्के से फ्रेमर पर बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाता है बट ऑटो लेआउट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो स्टेप बाई स्टेप उनको सीखो फ्रेमर का खुद का यूट्यूब चैनल है उस पर सब कुछ है उस मैंने पूरा ने देखा वो मेरा चल रहा है बढ़िया तो आई येस दिस इज़ द थिंग दैट आई वुड लाइक टू से तो क्योंकि मैं बहुत चीज़ें बोलूँगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अच्छा लगेगा सुनने में बट करेगा कोई कुछ नहीं अभी ये चीज़ करोगे फिर ही बताऊँगा फिर अनुसार से दोबारा मिलेंगे Awesome. Thank you so much, Vidhan Bhai, for coming down to the studio and sharing your knowledge. I loved it. Loved it, bro. Awesome.